हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू राय है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो झटपट बन जाती है। आपने खीर तो बहुत खाया होंगे, लेकिन ये इस तरह खीर एक बार ट्राई करके देखिएगा प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। ये देखिए, एक कटोरी चावल है, मैं इसे पहले धो लेती हूँ अच्छे से। अब मैं गैस चालू करती हूँ। खीर जब भी बनाइए तो मोटे पतीले कढ़ाई में ही बनाइए कि खीर अच्छे से बने। अब मैं 2 चम्मच इसमें घी डालती हूँ। अब घी गरम हो गया, अब देखिए मैं चावल इसमें डाल रही हूँ। अब 5 मिनट के लिए हमें ये चला इसे अच्छे से भूनना होगा। 8 हम ही रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चावल हो गया अच्छे से। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। मैंने 2 गिलास इसमें ऐड कर दिया है दूध, और मैं आधा और इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसे कुछ देर तक मैं इसे पकने देती हूँ। तब तक मैं सूखी ड्राई फ्रूट इसमें पीस लेती हूँ। बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारी खीर में अच्छे से उबाल आ गई है। फिर मैं इसे अच्छे से चला लेती हूँ, देखती हूँ कि ये पक गया है कि नहीं। ये भी अच्छे से पका नहीं है। मैं फिर इसको अच्छे से तोप देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर लगभग बन ही चुका है। थोड़ा सा और इसमें बने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर बन गया है। अब इसमें मैं शुगर डाल देती हूँ।
इसे एक कटोरी में डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठे पसंद है तो और आप ज़्यादा इसमें भी डाल सकते हैं। और ये मैंने सूखे जो ड्राई फ्रूट पीसी है, इसमें इलायची भी मैं पीस दी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बस मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। अब मेरा खीर तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर लगभग पक ही गया है। अब मैं इसमें कटा हुआ जो ड्राई फ्रूट है इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है दिखने में। ये देखिए दोस्तों, मेरा खीर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।